किया इंडिया ने घोषणा की है कि वो 14 जनवरी 2022 को कारेंस एमपीवी के लिए बुकिंग शुरू करेगी। नई कारेंस किया सेल्टोस के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित है और हुंडई अल्केजार, एमजी हेक्टर प्लस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और टाटा सफारी को टक्कर देगी। नई किया कारेंस को 5 ट्रिम विकल्पों प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी और लग्जरी प्लस में पेश किया जाएगा और ये 3 इंजन और 3 ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आएगी। एमपीवी 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होगी, जबकि फीचर लिस्ट में किया कनेक्ट के साथ 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल होगा। कारेंस में बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ 8 स्पीकर, स्मार्ट एयर प्योरिफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वन टच इजी इलेक्ट्रिक टंबल फंक्शन के साथ सेकेंड रो सीट और सनरूफ भी होगा। कार निर्माता ने लॉन्च की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किया कारेंस भारत में बिक्री के लिए फरवरी 2022 में लॉन्च की जाएगी। देशभर में टाटा मोटर्स की डीलरशिप ने टियागो और टिगोर सीएनजी वेरिएंट के लिए प्री बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जिनके जल्द ही लॉन्च होने की उम्मीद है। डीलरशिप ने कारन बाइक को बताया कि 5,000 रुपए से 10,000 रुपए की टोकन राशि पर ग्राहक गाड़ी को बुक कर सकते हैं। कंपनी के टियागो और टिगोर के सीएनजी वर्जन की इसी महीने लॉन्च होने की संभावना है और कंपनी ने हाल ही में इसका टीजर भी जारी किया था। टाटा टियागो और टिगोर सीएनजी वेरिएंट अपने पेट्रोल से चलने वाले मॉडल जैसे ही होगा, लेकिन फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ आएंगे। मौजूदा वक्त में मास मार्केट में पैसेंजर व्हीकल के लिए सीएनजी सेगमेंट में मारुति सुजुकी और हुंडई की कारों का दबदबा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने के साथ टाटा का लक्ष्य सीएनजी वेरिएंट के साथ अपनी कारों को अधिक फ्यूल एफिशिएंट बनाने के साथ साथ कम प्रदूषणकारी बनाना है। मर्सिडीज बेंज ने अपनी शानदार नई विजन EQXX कॉन्सेप्ट कार के साथ वर्चुअल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2022 की शुरुआत कर दी है। ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार एक बार चार्ज करने पर 1,000 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है। खास बात यह है कि ये लगभग उसी साइज की बैटरी के साथ आती है जो कंपनी की बड़ी फ्यूचरिस्टिक सेडान EQS में देखी जा सकती है। EQXX न केवल बहुत एरोडायनामिक दिखती है, बल्कि 0.17 के ड्रैग कोएफिशिएंट के साथ दुनिया की सबसे एरोडायनामिक कार भी बन जाती है, जो इसकी बेहतरीन ड्राइविंग रेंज के पीछे का प्रमुख कारण है। EQXX कॉन्सेप्ट मर्सिडीज कारों के लिए एक नई डिजाइन लैंग्वेज को पेश करती है, जिसमें कंपनी ने अपनी आइकॉनिक ग्रिल को हटा दिया है। इसके अलावा कार को एक नए ईवी मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है और इसमें अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कार का कर्व वेट 1750 किलोग्राम है, जिसे हम हल्का कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर 201 bhp की ताकत के साथ आती है। फिलहाल कार को सिर्फ कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन EQXX को भविष्य में प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।